ओझा बोर्ड। हाँ गाइस, ओझा बोर्ड के बारे में तो आप सुने होंगे, अगर नहीं सुने मैं आपको बता दे रहा हूँ गाइस। वो एक ऐसा बोर्ड है, इतना उसको रहस्यमय माना जाता है ना गाइस, जो कि यार आज तक उसका पता कोई नहीं लगा सका है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन गाइस वो एक ऐसा बोर्ड है जिससे आप भूतों आत्माओं को अपने पास बुला सकते हो और उनसे बातें कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यार ओझा बोर्ड का नाम कैसे रखा गया, ओझा बोर्ड, तो आप क्या कहोगे? इस बोर्ड का नाम उसके आविष्कारक का कहना है, जिसने बनाया था उसको, कि इस बोर्ड का नाम उसने नहीं रखा, उस आविष्कारक ने नहीं रखा, तो किसने रखा? गाइस अगर आपने अभी तक यार बने हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस बोर्ड का नाम किसने रखा गाइस? उस ओझा का नाम गाइस उस बोर्ड ने खुद रखा कि मेरा नाम ओझा रखना है। हाँ गाइस, इसके आविष्कारक का यही कहना है कि उस बोर्ड ने मेरे को खुद कहा कि मेरा नाम ओझा रखना है, और ओझा का मतलब है गुड लक, यानी गुड लक बोला यानी आत्माओं को बुलाने के लिए कि आप बुलाओ, उसके बाद देखो फिर क्या होता है। गाइस आपको यार ये कैसा लग रहा है? आपको रियल लग रहा है कि नहीं? लेकिन गाइस ये रियल है, और ओझा बोर्ड का नाम तो यार सभी लोग सुने हैं, आप भी सुने होंगे। नहीं सुने हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? और आप बताना गाइस आपको ये कैसा लगा, और आपको बढ़िया लगा हो तो यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना गाइस।